नमस्कार, मैं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली क्राइम फाइल। क्राइम फाइल की शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। घर में मिली अधजली लाश और सिर पर चोट का निशान पुलिस के लिए पहेली थे कि आखिर महिला की हत्या किसने और क्यों की है। वहीं घर में मौजूद लोगों से जब पूछताछ की गई तो सारे राज खुलकर सामने आ गए और हत्या की वजह जब आप जानेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा हो सकता है। देखिए, रिश्तों को तार तार करती हमारी ये रिपोर्ट, सास बहू और हत्या। सास बहू और हत्या, बहू ने की सास की हत्या, पीट पीट कर सास को उतारा मौत के घाट, तेल डालकर शव को जलाने का प्रयास। सास बहू का रिश्ता हमेशा से प्यार और तकरार के लिए जाना जाता है, मगर आधुनिक समय में जिस प्रकार से रिश्ते दम तोड़ रहे हैं, खबर पूर्वी दिल्ली के मंडावली से है, जहां एक बहू ने पहले पीट पीट कर सास की हत्या की और उसके बाद उसके शव को जलाने का प्रयास भी किया। जी, हमें तो अभी 12:15 बजे खबर मिली है कि यहाँ पे आग जल रही है। अच्छा। तो जैसी बात क्या है तो देखा कि आग जल रही थी, थोड़ा सबने मिलके कंबल डाल दिया और देखा तो लेडीज डेड पड़ी है। उम्र तो होगी करीब 60 करीब, और अपाहिज है, नहीं चल नहीं पाती, कुछ सर पे चोट के निशान है। ये देखा है लूटपाट में, बता रहे कि अलमारी खुली हुई है, अब ये जाके ज़्यादा पता नहीं है। हमने भी सुना, जब हम एकदम अंदर भागे तो ऐसे पड़ी हुई थी और यहाँ से सिर फूटा हुआ था। अच्छा। और बस ख़त्म थी, कपड़े वपड़े जले हुए थे, थोड़े पैर की तरफ जला हुआ था, चश्मा कहीं पड़ा है, मोबाइल कहीं पड़ा, खुद कहीं पड़ी है, खून वून बिखरा हुआ था, छींटे लगे हुए थे। नहीं रहा था कि मरने वाली है, ठीक ठाक थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, स्वभाव में शांत शांत। विवाद और हत्या की वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आरोपी ने गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने हल्ला करने पर बच्चे को डांटा था, जिसके बाद सास ने उसे ताने मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने सास के सर पर पटरा दे मारा। लकड़ी के पटरे के लगते ही सास के सर से खून बहने लगा और उसकी मौत हो गई। इत्तला देने वाले ने बताया कि मेरी माता का कत्ल हो गया है और उसने अपना एड्रेस मंडावली का दिया। मौके पर PCR और लोकल पुलिस पहुंची तो वहां पर एक 60-62 साल की वृद्ध महिला का शव मिला। इस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मौके पर जाकर मौका मुआयना किया, FSL की टीम को बुलाया, एडिशनल DCP साहब के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ AATS मंडावली और ACP ऑपरेशंस, ACP मधुविहार, ACP प्रीत विहार, ACP एरिया मयूर विहार, इनकी टीम्स बनाई और अलग अलग लोगों से अलग अलग पूछताछ करने लगे। वहीं महिला ने घर में रखे सरसों के तेल से शव को जलाने की कोशिश भी की। वहीं पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। सास बहू का किसी न किसी बात पर, छोटी मोटी बात पर भी झगड़ा होने लगा, होता रहता है, लोगों को प्राय इसकी कंप्लेन मिलती है। जब बहू से पूछा गया तो उसने बोला कि 10 बजे के बाद मैंने अपनी सास को नहीं देखा और मैं अपने बच्चों को फर्स्ट फ्लोर पे संभाल रही थी। 25 गज का प्लॉट है जिस पर ये रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर इनकी माता जी रहती थी और फर्स्ट फ्लोर पर हस्बैंड वाइफ और 3 छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। टीम्स ने अलग अलग लोगों से अलग अलग बातचीत की तो फाइनली बहू, जिसका नाम कंचन कपूर है, उम्र 30 साल है, उसने सस्टेंड इंटरोगेशन से बताया कि घर में कलह के कारण मेरा सास से रोज़ रोज़ झगड़ा होता था और छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरा हस्बैंड और मेरी सास मुझे तंग रखते थे, यहाँ तक कि मुझे कपड़े सिलवाने के लिए भी तकलीफ़ होती थी। और अल्टीमेटली जब उसके पास एक अंगूठी अपने पहनने की थी, वो भी अपने खर्चे के लिए उसने रेहन पर रख दी और उसको छुड़ाने के लिए 1000 रुपये बार बार मांग रहे थे, लेकिन अपनी अंगूठी भी नहीं छुड़ा पाई। कल
जब वो अपने बच्चों के साथ में थी और बच्चे उसको तंग कर रहे थे, उसने मारना पीटना शुरू किया, तो उसकी सास श्रीमती स्वर्ण कपूर, उसने नीचे से चिल्लाना शुरू किया। सास फिजिकली चैलेंज्ड हैं, वो अपने आप चल फिर नहीं सकती, एक पटरे के मदद से चलती हैं। और जब ज़्यादा गाली गलौज हुई तो वो क्रोध में आकर के बहू ऊपर से आई नीचे, और जिस पटरे का वो सहारा लेकर के चलती फिरती थी उसी पटरे को उसके सर पे दे मारा। और अपने अपराध को छुपाने के लिए जो भी अवेलेबल तेल था उस तेल को बॉटल से खाली करके उसके ऊपर डाल दिया और आग लगाई। चूँकि ये सरसों का ही तेल था, इन्फ्लेमेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं जल पाया, इसलिए औरत के पैर जल गए और थोड़े कपड़े जले। हमें एविडेंस के तौर पर ब्लड स्टेन क्लोथ्स वगैरह मिल गए हैं। अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार रिश्ते जो है कलंकित हुए हैं। अब आपको फिर वो खबर दिखाएंगे जहां रिश्तों पर दाग लगा है। देश में नवरात्रों की धूम थी, हर कोई माता के नवरात्रों में पूजा अर्चना करने में लगा था, मगर एक मंदिर के छत पर रहने वाले पुजारी ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। खबर पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर से है, जहां एक पंडित और उसकी पत्नी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मंदिर में पापी पुजारी, हत्या के आरोप में पुजारी गिरफ्तार। पति पत्नी ने करी युवक की हत्या, शव को आग लगाकर पुलिस को दी सूचना। देश भर में नवरात्रि की धूम थी और मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही थी, मगर पूर्वी दिल्ली के कैलाश नगर में एक मंदिर के पुजारी की जो हैवानियत सामने आई वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। सुबह सुबह फोन करके कि ऐसे ऐसे बात है कि कोई बंदा ताला तोड़ गया और अंदर मर्डर करके चला गया। अच्छा। मैं आया तो मैं कहा फोन नंबर पे फोन करके करो पुलिस को, तो फोन नंबर पे फोन करके पुलिस को बुलाया। बाद में पता चला कि पंडित जी क्या कहते हैं उसमें इन्वॉल्व निकले। नहीं, वो बंदा यहाँ का नहीं था, वो तो उन्हीं का जानकार था, कोई बंदरा बंद का वो उनका आपसी पारिवारिक मैटर है। पुजारी पे आरोप है कि उसने पत्नी के साथ मिलकर एक युवक की हत्या कर दी और शव को आग के हवाले कर पुलिस को सूचित कर दिया। पुजारी को लगा था कि वो जो बोलेगा पुलिस उसे मान लेगी, मगर पुजारी की सोच को पुलिस ने तब बड़ा झटका दिया जब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। 5:30 बजे की कॉल थी आज सुबह की, जिसमें कॉल आई थी कि मंदिर में ऊपर में स्टोर रूम है, उसमें आग लगा हुआ है और एक शख्स भी है। वहाँ पर जाकर के देखा गया तो एक 25-30 साल का आदमी एक था, मेल, डेड बॉडी थी और सेमी बर्न्ड डेड बॉडी थी, सेमी शार्ट डेड बॉडी थी। और बाकी बताया कि जब वो मंदिर का पुजारी ने बताया सुबह में मंदिर खोलने आया, फिर ये भी खुला हुआ था, मैंने ऊपर जाके देखा तो ये ऐसा कंडीशन था। इसकी तफ्तीश शुरू की गई, क्राइम टीम को भी बुलाया गया। क्राइम टीम ने जब भी देखा, जब भी बॉडी टर्न किया तो देखा कि फाउल स्मेल ज़्यादा आ रहा था, जिससे लग रहा था कि बॉडी वॉज नॉट फ्रेश। एंड CCTV भी चेक किए गए आसपास के, जिसमें रात का कोई मूवमेंट नज़र नहीं आया। तो वी वेर श्योर कि बॉडी पहले आई है वहाँ पर, डंप की गई है, या फिर वहीं पर, क्योंकि हेवी बिल्ड था तो वहीं पर होगा। पूछताछ किया गया, वहाँ पर जो पुजारी एम्प्लॉयड थे उनसे भी पूछताछ कर रही थे हम लोग। पूछताछ करते करते हमें पता चल गया, उसके फिर मान भी लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या बताई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पुजारी और उसकी पत्नी से पूछताछ की और गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हत्या के पीछे की जो कहानी निकल के आई वो रिश्तों में पैदा हुए
अविश्वास, हवस और धोखे से भरपूर थी। कि ये जो आदमी है चंद्रशेखर नाम का है और लखन दुबे जो पुजारी है और उनकी वाइफ, तो इनका ये गांव में रहते थे, गोवर्धन जो है जगह है वहाँ पर, वहाँ पर इनके इनकी वाइफ और जो डिसीज्ड है उनके बीच संबंध बन गए। ये 2 महीने पहले अपनी वाइफ को दिल्ली लेकर के आए और उनको इस बात का जब पता चला तो कन्फ्रंट किया वाइफ को, एंड शी ऑल्सो डिस्क्लोज कि ये सब था एंड शी वॉन्ट्स टू एंड द चैप्टर। तो इसी में योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने उसको कॉल करके यहाँ बुलाया और उसके बाद यहाँ बुलाने के बाद गला स्ट्रैंगुलेट करके रस्सी से और उसको मार दिया और सर पर भी एक बड़े से चाकू से अटैक का निशान है। पुजारी की माने तो उसकी पत्नी पहले गांव में रहती थी, तभी उसके पास में रह रहे युवक के साथ नाजायज संबंध कायम हो गए थे। पुजारी को इसका पता लगने के बाद उसने उसे अपने पास बुला लिया और बाद में पत्नी को कहकर उस युवक को भी बुला लिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर युवक की गला दबाकर हत्या कर दी। 2 दिन तक उन्होंने बताया कि डिस्पोज क्यों नहीं किया डेड बॉडी, वो बोले कि दिन में नहीं कर सकते थे क्योंकि पब्लिक बहुत रहती है इधर, मूवमेंट ज़्यादा है। रात को 2 रात उन्होंने ट्राई किया, लेकिन जब ये ट्राई कर रहे थे तो पूरी रात उनको टाइम नहीं मिला क्योंकि पुलिस की गश्त चल रही थी, तो उस गश्त के कारण वो निकल नहीं पाए। आफ्टर 2 डेज थोड़ा स्मेल आने लगा था बॉडी का, तो वो बोले कि फिर हमने सोचा कि इसको अगर थोड़ा जला दिया जाए तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा तो फिर नहीं पकड़ा जाएगा। तो इस विचार से उन्होंने सुबह में आज उसको ये आग लगा दी और आग लगाने के बाद पुलिस को कॉल करा। मैम वो युवक भी शादीशुदा था उसके बाद? नहीं, वो अनमैरिड था और पड़ोसी था इनका गाँव में। जिसके बाद उन्होंने मंदिर के ऊपर बने कमरे में शव को रख दिया, मगर बदबू आने के डर से उसे आग के हवाले कर दिया। लेकिन मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे पूर्वी दिल्ली में हो रही चोरियों की। चोरों ने पूर्वी दिल्ली में दहशत मचा रखी है। खासकर बात कृष्णा नगर की करें तो यहां चोरों ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं और पुलिस चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली चोरों के आतंक में जीने को मजबूर है। चोर लगातार बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस पकड़ने के आश्वासन दे रही है। वारदातों को देख ऐसा लगता है कि पूर्वी दिल्ली के चोर पुलिस से 10 कदम आगे चल रहे हैं। बात अगर कृष्णा नगर की करें तो यहाँ चोरों का आतंक इस कदर है कि लोग दुकान और घर बंद करके जाने से डरने लगे हैं। खबर कृष्णा नगर के बी ब्लॉक से है, जहाँ पे चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घर वालों का कहना है कि चोरों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया है। मैं रात 9:15 बजे घर पे आई तो मैंने देखा कि ताले खुले पड़े थे, दरवाजे खुले हुए थे और पूरे घर का सारा सामान अलमारी में से निकला हुआ और सारा बेड पे फैला पड़ा था। घर के 3 कमरों में सारी अलमारियाँ खुली, सारा कुछ फैला के रखा हुआ था, सब तोड़फोड़ कर रखी थी। क्योंकि जब मैं आई थी तो दरवाजे खुले हुए थे, पूरे घर के पूरी लाइटें खुली हुई थी, सारी लाइटें जल रही थी। जबकि मैं गई थी तब सारी लाइटें बंद कर गई थी, सारी लाइटें, और पीछे का एक कमरा है उसका दरवाज़ा बंद था अंदर से। जब दरवाज़ा बंद था मैंने खोला देखा तो वो भी सारा तोड़फोड़ कर रखी थी और सारा सामान फैला हुआ था, सारा कुछ निकाल। मैं अपने काम पे, ये काम से मैं 9:15 बजे घर आई थी तो मैंने आके ये देखा घर पर कोई नहीं था। किया पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई उसी टाइम आई है पुलिस, उन्होंने सारा देखा है, पूरे कराया, FIR चेक की है, क्राइम वाले आए हैं, सारा करके गए हैं यहाँ पे सारा, वो लोग गए हैं अभी यहाँ से 12:30-1 बजे करीब। वहीं पीड़ित परिवार ने कहा कि चोरों ने घर में रखे 1 लाख कैश और लाखों की ज्वेलरी पे हाथ साफ कर दिया। एग्जैक्टली उनकी कहीं ना कहीं तो कमी है, बट ये कोई नॉन किसी का काम होगा, बिकॉज जो भी हुआ है 1 घंटे के टाइम में ही हुआ है। तो 1 घंटे में उस बंदे को ये पता था कि कहाँ पे क्या रखा है क्या नहीं, और घर के सामने कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, वहाँ पे भी लेबर है, पता नहीं किसने किसको
काम दिया है ये करने के लिए या क्या है क्या नहीं, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। किसी ने देखा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा। और ये कोई ग्रुप है, बिकॉज दे आर वेरी ट्रेंड, बहुत एक्सपर्ट थे वो, उन्होंने कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा, फॉरेंसिक वाले आए थे, कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। वहीं लोगों ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिन दहाड़े चोर वारदात को अंजाम देते हैं पर पुलिस फिर भी उनको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि कृष्णा नगर में पहली वारदात नहीं, इससे पहले भी कई चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। पूर्वी दिल्ली में अपराध और अपराधी लगातार बेलगाम होते जा रहे हैं। कई बार दिल्ली पुलिस पर बदमाशों पर कार्रवाई ना करने पर सवाल उठते रहे हैं, मगर यहां खबर कुछ हटके है। पुलिस ने मारपीट और लूट की सूचना के बाद बदमाश का पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी दिल्ली में बदमाशों के हौसलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। कई बार बदमाश पुलिस को छकाकर चकमा देके फरार हो जाते हैं तो कई बार पुलिस इन पे भारी पड़ती है। मधु विहार पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। ये चोर मंगलवार रात को एक शख्स पर ईंट से हमला कर उसकी कार को लेके फरार हो गया था। अर्ली मॉर्निंग में पुलिस स्टेशन मधु विहार को PCR से कॉल मिली झगड़े की, और जब लोकल SHO ACP आनंद मिश्रा स्पॉट पर पहुंचे तो पता लगा ये झगड़ा नहीं है बल्कि ये कारजैकिंग हुई है। अर्ली मॉर्निंग में ड्राइवर को जब वो ईजी हो रहा था तो पीछे से दो तीन लोग आए और उसके सर में ईंट मार करके उसको बेहोश कर दिया और उसकी गाड़ी को अज्ञात स्थान पर ले गए। इन लोगों ने मौके पर ही पूछताछ की और आनंद मिश्रा ने SHO मधु विहार के साथ में एक टीम बनवाई जिसमें इनका सीक्रेट इन्फॉर्मर भी शामिल था। सीक्रेट इन्फॉर्मर को पता लगा कि इस तरह की वारदात करने वाले लोग वेस्टर्न UP एरिया में कोई खास गांव है वहां पे जा सकते हैं। इन लोगों ने पीछा किया और इन्फॉर्मर इनको बराबर बताता चला गया कि गाड़ी अभी यहाँ हो सकती है, वहाँ हो सकती है, और कुछ ही घंटों के भीतर इन्होंने मुलजिम के घर से गाड़ी को पूरी तरह से कवर किया हुआ, अंदर खड़ी हुई थी और इन्होंने जब उसका कवर उतारा तो ये वही गाड़ी थी जिसको जैकिंग किया। पीड़ित की सूचना पे हरकत में आई पुलिस ने तलाशी अभियान चलाकर चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की कार भी बरामद कर ली है। गहन पूछताछ के बाद पता लगा कि उसी का एक सगा भाई नदीम है जो 24 साल का है, और ये दोनों भाई मिलकर के इन्होंने प्लान बनाया। इनका धंधा ठीक नहीं चल रहा था, इंतजार एक महीना पहले नौकरी छोड़ चुका था, और नदीम खुद भी जो सैलून चलाता था उसका भी धंधा ठीक नहीं चल रहा था। इन्होंने इजी मनी के लिए ये कार जैकिंग को अपना धंधा बना लिया है। बहुत जल्द नदीम और उसके साथियों को भी पकड़ लिया जाएगा। ऑलरेडी मधु विहार की टीम ठिकाने पर पहुँच चुकी है और उम्मीद है कि कुछ ही घंटों में नदीम और उसके साथियों को भी दिल्ली ले आएंगे। इनसे अभी पूछताछ जारी है, चूँकि सारी रात ट्रैवलिंग में लग गई इसलिए इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और पता करने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले इन्होंने कहां कहां और वारदात की है और गाड़ियों का, चोरी की गाड़ियों का आगे क्या करते थे। चले बात एक ऐसी खबर की करेंगे जहां महिला की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। मौके पर पहुंचे महिला के परिजनों ने ससुराल पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में किसी की जान लेना अब आम सी बात होती जा रही है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसे की खबर आ ही जाती है। इन हादसों का सबसे बड़ा शिकार होती हैं तो वो हैं महिलाएं। खबर उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा से है जहां संदिग्ध हालत में महिला का शव मिला है। महिला के परिजनों ने
ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। मतलब हमारी सिस्टर को जिस टाइम हमने 2012 में उसकी शादी करी थी तो उसे परेशान करा जाता था। कभी उसके सिर में ईंट मार दी थी, एक बार हम देखने भी गए थे। उसके बाद काफ़ी बातें हुई, लड़की को आए दिन परेशान करना, दो दिन अब ससुराल में रखना, चार दिन हमारे घर रहना, फिर एक तरह से दहेज का ही मामला सा समझो। हमारे वालिद साहब ने, हमारी वालदा ने, मम्मी ने हमारी जिस मकान में हम रहते हैं वो आधा आधा कर दिया, आधा लड़की का नाम कर दिया, आधा मेरे नाम कर दिया। तो उसमें बस यही है, प्रॉपर्टी का वो लग रहा है मुझे कि प्रॉपर्टी के चक्कर में मारा। कहाँ का निशान है इनके? निशान जिस टाइम मैं कल अस्पताल में गया था, परसों सॉरी, तो उसके यहाँ पर तो नील पड़े हुए थे हाथ पर, ये हाथ पूरा लाल था और गर्दन पे भी यहाँ नील से पड़े हुए थे चेहरे पे। तो पुलिस से क्या इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं? पुलिस से मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बहन को पूरा इंसाफ मिले। क्या नाम है आपकी सिस्टर का? मेरी सिस्टर का नाम नीलोफर है। हमसे तो कुछ नहीं कह पाती थी, भाइयों से कहाँ बोलेगी। मम्मी थी हमारी, मम्मी से आकर बात होती थी, मम्मी से बताती थी। एक बार की बात तो ऐसा हुआ था, पता चला कि भाई मारपीट के सिस्टर को हमारी और गली के कोने पे छोड़ गया। गली के कोने से फिर हमारी सिस्टर अपना पाई, घर तक नहीं आया हमारे। भाई कोई अगर तुम्हारे में कलेश है, कोई दिक्कत परेशानी, तो बैठ के भी तो हल हो सकता है। सर ये 100% है जी, ये जो मामला है, जब अगर उन्होंने, हमारी माँ या बाप ने जब ये प्रॉपर्टी इन दोनों के नाम कर दी थी तो हमारा तो इसमें कोई टस्था नहीं। अब वो उसको इस चीज़ के लिए प्रेशर करता था, दीवार लगवाऊंगा, ऐसे बेको सारे को, ऐसे ये करो, जबकि बेकने का कहीं कोई इशू था ही नहीं, जिसमें कि शायद तारिक ने भी नहीं बताया। कोई एक वसीयत भले ही उन्होंने घर में बनाई हो, दो आदमी को साइन करवा के, जैसा बकौल तारिक बताया कि भाई मतलब इस तरह से वसीयत है, मतलब जो हमें मैसेज मिला है वो लगभग ये मान लीजिए आपकी 8 बजे के आसपास हमें मैसेज मिला है। वो कितने बजे कन्फर्म हुई, ये 7 बजे या 6:30 बजे, इसके लिए मैं मतलब कितने बजे एक्सपायर है ये कन्फर्म नहीं कर सकता। हमें जो मैसेज मिला उसका मैं कन्फर्म। परिजनों का कहना है कि बेटी की शादी 2012 में की थी और तभी से ससुराल वाले दहेज के लिए बेटी को परेशान कर रहे थे। वही लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली क्राइम फाइल में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।